हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बडोला और आज हम कुछ बात करते हैं आपसे अच्छी। तो सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम कैसी हुई? जिनकी एग्ज़ाम हो गई है बताओ एग्ज़ाम कैसी हुई। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत अच्छी हुई होगी। जिन लोगों की एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देना। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है पूरे साल भर में, पूरा एग्ज़ाम में निचोड़ के आ जाना, बहुत अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट। अब देखो यार, ये डिप्रेशन का सबसे क्रूशियल पीरियड होता है, एग्ज़ाम के बाद वाला। क्या होता है देखो, एग्ज़ाम तुम्हारी अच्छी नहीं हुई, तुम डिप्रेस्ड हो जाते हो कि यार एग्ज़ाम अच्छी नहीं हुई, क्या होगा, कभी मैं फेल हो गया तो, ये सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ तो यार एक एग्ज़ाम ही देना। अपन ने दे दी, अपन ने अपना 100% दे दिया उस एग्ज़ाम में, तो फिर ये रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो और रिज़ल्ट से अपने आप को अफेक्ट मत करो। जो भी तुम काम कर रहे हो ना, पूरी ईमानदारी से कभी कर रहे होंगे। जैसे पढ़ने का काम है तो उसको पूरी ईमानदारी से कभी कर रहे हो, तो तुमको यार अपने आप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। और अपने आप को इतना जज मत किया करो यार हर चीज़ में। ओके, द थिंग इज़ कि आप अपना काम कभी पूरी ईमानदारी से कर रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है अपने काम में, मतलब पढ़ने में, तो आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। सही जाना मतलब क्या? अपना काम अच्छे से करना, बिना बेईमानी के करना। अब IIT JEE की बात कर लेते हैं, तो भैया 12th शुरू करेंगे 8 से 10 मार्च के बीच में, कभी भी कर सकते 12th शुरू। कोनिक सेक्शन कोशिश करेंगे जितना हो सके उस समय तक कंप्लीट। और ये सब तो चलता रहेगा, लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी आप लोग बोल रहे हो बढ़ाने की, पर मेरी हेल्थ मेरा साथ नहीं दे रही है, बार बार तबीयत ख़राब हो रही है, क्या पता क्यों। तो उस पर भी काम चल रहा है यार कि ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आता है वीडियोस बनाने में, आप लोगों से बात करने में। तो ये सारी चीज़ें पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों का काम क्या है भाई? अच्छे से जो वीडियो आ रहे हैं उनको देखो, पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। तो वही, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना है सब काम। सेकंड चीज़, आज जो अपन बात कर रहे हैं वो है मोटिवेशन। भाई कैसे तुम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहो, क्यों ये बार बार यार कहते हो मैसेज करके कि सर एक मोटिवेशनल वीडियो बना दो, एक बार बात करने का वीडियो, पढ़ने में मज़ा नहीं आता है क्या? चलो, ये आज अपन जो डिस्कशन करेंगे वो यही है कि यार खुद से मोटिवेशन आना चाहिए, खुद से इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की। एक वो जो होती है ना चिंगारी, आग, वो आनी चाहिए अंदर से कि यार मुझे कुछ करना है। अब वो ये भी हो सकता है IIT निकालनी, वो ये भी हो सकता है कि यार मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। इट कैन बी एनीथिंग। वो रीज़न तुमको क्यों लाइफ में पढ़ना है, उसका रीज़न कभी तुमने ढूंढ लिया तो तुम लोग कर लोगे यार। द मेन थिंग इज़ ये मन नहीं लगना, आलसी करना कि यार थोड़ी देर पढ़ाई की फिर मोबाइल में लग गए, बात करने लग गए, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी जब तुम लोगों के पास एक अच्छा रीज़न होगा, सॉलिड रीज़न होगा काम करने का। काम जब तुम ईमानदारी से करोगे तो तुमको खुद को खुद से बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। कितनी बार ऐसा लगता है कि यार आज पूरा दिन बर्बाद हो गया, कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? एक दो दिन बहुत अच्छे से काम हो जाता है, फिर तीसरे दिन वही, फिर लगता है मोटिवेशन चाहिए। अरे ऐसा क्यों हो रहा है भाई? एक जैसे चलो, जीतता वही है जो एक ही स्पीड में चलता है। ऐसा नहीं भाग रहे हो फिर रुक गए, फिर भाग रहे हो फिर रुक गए, ये नहीं। चलते चलो, धीरे धीरे भी चलोगे तो भी जीत जाओगे। तेज चलना ज़रूरी नहीं है। किसी इंसान को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को धीरे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझना ज़रूरी है। ओके, अब मैथमेटिक्स की बात करें तो वही जैसे अपना चल रहा है सर्कल। अब कुछ बच्चों को बाइनोमियल में भी डाउट है, तो यार ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। बाइनोमियल के और भी लेक्चर आएंगे, कोशिश करूँगा कि तुम लोगों के जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो। ओके, मेरी तरफ से मेरे को जो भी आता है मैं पूरा तुमको देने के लिए तैयार हूँ। तुम लोगों को क्या करना है भाई, जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको करो, खुद से कोशिश करो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक टॉपिक डिस्कस किए सबके लगा लो। ये 11 से 12th के जाने वाला जो टाइम होता है ना, ये सबसे क्रूशियल होता है। इस समय जो रिलैक्स कर लेता है कि यार अभी 11 ख़त्म हुई है, थोड़ा चिल करते हैं, मज़े करते हैं, उस समय जब 12th शुरू होगी 11th रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अभी से ही कितने लोगों को लग रहा होगा IIT हमारे लिए नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, IIT तुम्हारे लिए है, तुम ईजिली निकाल लोगे, कभी तुम एक ही स्पीड में अच्छे से चलते चले। ओके। तो भाई तेज चलना ज़रूरी नहीं है, कैसे चलना है, धीरे धीरे चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, ये इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट दिमाग में रखो। बस जो भी टारगेट है उसको हमेशा हर पल सोचो कि मेरे को वहाँ तक पहुँचना है, और उसके लिए जो भी एफर्ट्स लगते हैं वो पुट इन करो यार, डालो अपने। ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने अच्छे से वो सारी चीज़ें भाई टाइम टेबल बनाया कि इतनी बजे उठना है, इतनी बजे नाश्ता करना है, इतनी बजे पढ़ने बैठना है, 6 घंटे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी, एक दिन फॉलो किया, अगले दिन वापस वैसे, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे टाइम टेबल कितने बना के तुम फाड़ के नए नए बनाते जाओगे, कुछ नहीं होगा। द मेन थिंग इज़ खुद से एक प्रॉमिस करना होगा, खुद को अपने, मतलब देखो यार, खुद से बात करते हो कि नहीं तुम लोग, जब सोने जाते हो तो खुद से बात करते हो कि आज दिन भर में क्या किया, जो भी किया। मैं हर बार पिछले वीडियो में भी कहा था कि अप्रिशिएट करो जितना भी तुमने अच्छा काम किया, अचीव किए, जो भी तुम्हारे छोटे छोटे दिन भर के गोल्स थे उनको अप्रिशिएट करो। उनको तुमने जब अप्रिशिएट किया, उसके बाद जब तुम सोने जाओगे तुमको बहुत अच्छी नींद आएगी, अगले दिन फिर उठो, फिर चलो, और ऐसे करते करते एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। अब रिवीजन कैसे करना है, जैसे मान लो 11th में अपने मैथमेटिक्स के कोर टॉपिक देखे तो 14 टॉपिक्स हैं, 13 से 14 टॉपिक्स हैं, उन 14 टॉपिक्स में से सिलेक्ट करो तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक रह गया। जब तुम चल रहे थे, मतलब 11 के कंटिन्यूटी में जब तुम लोग चल रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो तुमको समझ में नहीं आए होंगे, या सर ने बहुत जल्दी पढ़ा दिया होगा, या कुछ ऐसी चीज़ हो गई होगी जिस कारण से वो टॉपिक तुमको क्लिक ही नहीं हुआ, पर सिंपल टॉपिक है तो उसकी थ्योरी नोट्स पढ़ो, उसके क्वेश्चन लगाओ। ये टाइम है 11 से 12 का जो बीच का गैप होता है ना, ये वो टाइम होता है जिस समय तुम अपनी 11 को कितनी मजबूत करके 12 में एंटर करते हो। अब कभी अभी सोचोगे कि यार बाद में टाइम मिल जाएगा, अरे जनवरी में एग्ज़ाम है, 12th का सिलेबस आएगा, इतना ज़्यादा सिलेबस पहले से है 11 का, उसमें और 12th का ऐड होगा, सिलेबस मतलब डबल हो जाएगा, और फिर तुम सोचोगे कि अब रिवीजन करना है, अब क्वेश्चन लगाने नहीं मिलेगा टाइम। अभी से शुरू करो टॉपिक, जैसे देखो यार कुछ टॉपिक होंगे जो शुरू में पढ़ाए होंगे आराम आराम से, उसके तुमने क्वेश्चन भी किए होंगे और वो टॉपिक में तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा, मगर जो आखिरी के टॉपिक होते हैं उनको स्पीडली निकाल दिया जाता है कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, टाइम बहुत कम बचा है, तो तुम लोग भी उस स्पीड से ग्रैब नहीं कर पाते हो चीज़ों को। तो उन टॉपिक का यही टाइम है इस समय जब तुम 11 से 12 में जा रहे हो, उनको पकड़ो, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही वो कंसेप्टों को बारीकी से समझो और फिर उनके क्वेश्चन करो। ये तीनों सब्जेक्ट में कह रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं उनको सिलेक्ट करो, उनकी लिस्ट बनाओ और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो इस टाइम इंटरवल में, क्योंकि मैंने बोला था कि सारे सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, तभी तुम अच्छी रैंक ला पाओगे। इस पर अपन ने एक वीडियो बना रखा है, जिनको वो देखना है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, वो देख लो। कभी तुम लोग टाइम अनइक्वल दे रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। सेकेंड चीज़ ये कि यार तुम लोग जो भी कर रहे हो, मतलब अभी एग्ज़ाम हो गई तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत चिल करना गलत नहीं है, पर यार ये जो एक साल है ना तुम्हारा 12th वाला, बस दिसंबर तक, जनवरी में तो एग्ज़ाम है, तो यार ये वाले टाइम में ना थोड़ा सा बाकी सारी चीज़ों को सेकेंडरी रखो, प्रायोरिटी पे हमेशा PCM रखो, है ना, क्योंकि तुमने चूज़ किया यार ये पाथ, बहुत सारे पाथ थे, तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। जब तुमने मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं मान रहा हूँ कि तुम IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या है, मतलब तुम लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, मतलब तो एक गोल है ना, तो उसके लिए तुम क्या एफर्ट डाल रहे हो, इतने नहीं डाल रहे हो ना, तो वो एफर्ट डालो। अब टाइम कितना कम बचा है यार, और ये फालतू की गॉसिपिंग करना बंद ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। वीडियो नहीं आया तो कुछ रीज़न होगा नहीं आया, कोशिश पूरी कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, जितने वीडियोस बना सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, मेरे को जितना आता है मैं पूरा तुमको दे दूंगा दिसंबर तक, ओके। अब सॉरी, पर तुम लोग कितनी चीज़ें ग्रैब करोगे ये तुम पे डिपेंड करता है, कितनी चीज़ों को आगे ले जाते हो। देखो नॉलेज जहाँ से मिले ले लो, ओके, कोई टॉपिक मैंने नहीं करा है, कोई टॉपिक किसी और ने करा है, पढ़ो उनका, कर लो कंप्लीट। अब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार सर आप जब कराओगे जब ही पढ़ेंगे, तुम अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ यहाँ पे, ओके, खुद के लिए पढ़ो, मतलब यार खुद की स्ट्रैटेजी, हर एक इंडिविजुअल की स्ट्रैटेजी अलग होगी। अभी किसी बच्चे का केवल कॉनिक सेक्शन बचा होगा, किसी बच्चे का हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री बचा हो, तो यार उस हिसाब से तैयारी करो ना। क्या ज़रूरत है जो टॉपिक तुम्हारे हो गए उनके वीडियोस देखने से, समझ रहे हो? तो टाइम वेस्ट मत करो यार, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, ये तुमको बाद में रियलाइज़ होगा हर एक सेकेंड जब तुम्हारा रिजल्ट। और मेहनत करते वक्त रिजल्ट को मत सोचा करो ज़्यादा, केवल इतना सोचो हमें अच्छा करना है, ये हमारे गोल से बस। ये नहीं यार कभी फेल हो गए तो क्या, IIT नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म, ये सब बकवास है। ये सब सोच के कभी मत पढ़ो, डिमोटिवेशन ही मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन बन रहे होंगे तो मज़ा आ रहा होगा, हो सकता है क्वेश्चन नहीं बन रहे, समझ में नहीं आ रहा, सर केमिस्ट्री तो पल्ले नहीं पढ़ रही, मैथमेटिक्स पल्ले नहीं पढ़ रहा, फिर क्या? अरे भाई कोशिश करो ना, कैसे पल्ले पढ़ती है जिनको, अरे उन्होंने टाइम दिया, पढ़ाई की है। कोई उनमें वो नहीं है कि यार बचपन से उनके अंदर केमिस्ट्री के हार्मोन्स आ गए, सब आता है उनको, नहीं, पढ़ पढ़ के सीखे ना, तुम लोग भी कर लोगे, तो बस पढ़ो। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, पूरा अपना 100% देने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है, तुम सब बहुत अच्छा करोगे, कोई सी भी एग्ज़ाम जो भी तुम देना चाहो, जिसमें भी तुम अपीयर होगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। अपनी हेल्थ का केयर करना यार, पढ़ने में ये मत, खाना पीना सब बढ़िया चलते रहना चाहिए, है ना, कि केवल पढ़ने में ये भूल गए कि खाना कब खाना, ऐसा भी नहीं, पागलपन भी मत करना, सब चीज़ें ज़रूरी है, हेल्थ सबसे ऊपर, फिर अपना कैरियर, बस ये दो चीज़ दिमाग में रखो। मस्त खाओ पियो और मज़े से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।